हेलो गाइस नमस्कार, मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। जिस वीडियो जो देख रहे हैं इस तरह के वीडियो को बनाने से प्रोफेशन तक वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिए, थोड़ा सा वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल दबा दीजिएगा ताकि इस तरह वीडियो हम डालते हैं आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही नहीं क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत करके आप लोग इतना सारा प्रोजेक्ट लेके आते हैं। देखिए लव पीएनजी बनाते हैं, बाकी देखिए फ्लावर वाला जो पीएनजी इसको बनाते हैं, आपको बैकग्राउंड का इमेज बनाते हैं। आप लोग इतना सारा मतलब मेहनत करके आप लोग इतना सारा प्रोजेक्ट लेके आते हैं क्योंकि एक वीडियो को प्रोजेक्ट बनाने में सारा दिन लग जाता है, तो आप लोग इतना एक तो लाइक बनता है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ताकि हम मोटिवेट मिलते रहे कि वीडियो आप लोग लाइक करते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कोई भी जवाब हो, कोई भी सवाल हो आप नीचे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने के लिए बहुत कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना बकवास करते हैं, बिना इंट्रो को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली कैनवास ओपन करना है, ओपन करना प्लस का इस पर क्लिक करिए, क्लिक करना 60.9 रेशियो देख लिया, इसे आपको सेलेक्ट करना। ठीक है, तो सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करना कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर मेरे वाला कैनवास आप लोगों के पास नहीं जिसके ऊपर हम वीडियो बनाए हुए तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाकर उस वीडियो को देख लीजिए किस तरह से कैनवास डाउनलोड किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप उस वीडियो को देख के आप कैनवास को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से बैकग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे, तो बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद देखिए बैकग्राउंड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने में यहाँ से बैकग्राउंड इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करके यहाँ से लेयर को बढ़ा देंगे, लेंथ को जितना के वीडियो बना सकते हैं लेंथ को बढ़ा देना चले, इसको हम 25 सेकंड तक करते हैं, आपको जितना करना है उतना करके यहाँ से ओके कर देना। ठीक है, ओके कर दिए, ओके करने में क्या करना, आपको वीडियो को फर्स्ट में जाना है, फर्स्ट में लेयर क्लिक करिए और यहाँ से मीडिया आप क्लिक करिए। मीडिया आप क्लिक करने बाद देखिए जितना सारा इसमें प्रोजेक्ट यूज हुआ सारा चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ सबसे पहले हम बैकग्राउंड इमेज को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बैकग्राउंड इमेज यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करके लेयर क्या करना, आपको लेंथ को पूरा लास्ट तक कर देना। ठीक है, लास्ट तक करने बाद क्या करना, आपको पहले इस साइज को पूरा फुल करिए। ठीक है, स्किन को पूरा फुल करिए और आप बताते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या करना होगा। ठीक है, तो पहले स्किन को पूरा फुल कर लीजिए, फुल करके हम इसको इस जगह पर एडजस्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा साइज का और बड़ा करते हैं, चलिए इतना सही है, और इसको हम पूरा फुल इस तरह से फुल कर देंगे। ठीक है, इस फुल कर दिए, फुल करने बाद क्या करना, आपको यहाँ से चाबी का पर क्लिक करिए, क्लिक करने बाद क्या करना, आपको यहाँ से 4 सेकंड तक आ जाना। ठीक है, 4 सेकंड या 5 सेकंड तक भी कर सकते हैं, इसको हम 4 सेकंड ही रखेंगे। 4 सेकंड पर रखने बाद क्या करना, यहाँ से प्लस का पर क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ से प्लस का इस पर क्लिक कर दिए, क्लिक करके इस वीडियो को फर्स्ट में आइए। ठीक है, फर्स्ट में आकर थोड़ा सा इसको नीचे करिए, थोड़ा सा जूम कर लीजिए। ठीक है, दो फिंगर्स इसको जूम कर देना है और दो फिंगर्स जूम करके इसको इस तरह से यहाँ पर कोना पे इसे एडजस्ट कर देना। ठीक है, इसे एडजस्ट हो जाएगा, इससे इस तरह से जैसे एडजस्ट हो जाएगा तो क्या करना, आपको यहाँ से सबसे पहले यहाँ से लेयर क्लिक करिए, मीडिया क्लिक करिए और यहाँ से सबसे पहले एक वीडियो को सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। देखिए यही वीडियो है, इस वीडियो को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करके देखिए पूरा इस तरह से पूरा स्क्रीन पूरा फुल हो जाएगा। तो फुल हो जाएगा तो क्या करना, आपको थोड़ा सा इस साइज को बड़ा कर देना है स्क्रीन को और इसको हम इस जगह पर यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, इस जगह पर आपको लगा देना है, इस जगह पर लगाने में क्या करना, आपको नीचे आना है और यहाँ ब्लेडिंग का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो ब्लेडिंग ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करके यहाँ से स्क्रीन को सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे तो कितना बेहतरीन तरीका से बन चुका है, आपको इस तरह से कर लेना। ठीक है, सॉरी जैसे यहाँ से प्ले करके दिखाते हैं कितना बेहतरीन तरीका से बन चुका है, इस तरह से आपको भी कर लेना। कहना लेयर क्लिक करिए, मीडिया आप क्लिक करिए और यहाँ देखिए लव पीएनजी इमेज को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, लव पीएनजी इमेज का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम पहले यहाँ से डिलीट करते हैं, इसमें ग्रीन कलर, ग्रीन वाला इसमें सही नहीं रहेगा, इसमें हम दूसरा कलर यहाँ सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो रेड वाला इसको हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके लेयर को पूरा लास्ट तक कर देंगे। ठीक है, इस तरह लास्ट तक कर दिए और साइज को पहले छोटा करके एडजस्ट कर देना इस जगह। ठीक है, तो थोड़ा और छोटा कर दें, चलिए इतना सही है, और इसको इस जगह पर एडजस्ट कर देना। ठीक है, बीच में जो कि बीच में एडजस्ट होना चाहिए, देखिए बीच में एडजस्ट हो चुका है। अब क्या करना, आपको यहाँ से चाबी का आइकन पर क्लिक करिए और क्लिक करके यहाँ से हम जो 4 सेकंड तक इसको चलाना। ठीक है, 4 सेकंड आने के बाद क्या करना, आपको इस जगह पर 4 सेकंड जैसे चलाइएगा तो आप यहाँ से प्लस का आइकन पर क्लिक कर देना। ठीक है, तो इसको प्लस का आइकन पर क्लिक कर देते हैं और क्लिक करके यहाँ से इस तरह से कर देना। ठीक है, करने के बाद फिर से वीडियो को फर्स्ट में जाइए और फर्स्ट में इसको साइज को ऊपर ले जाए। ठीक है, थोड़ा छोटा कर दिए, छोटा करके हम आप इसको एडजस्ट कर लीजिए, इस तरह से एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के फिर से लेयर क्लिक करेंगे, मीडिया आप क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, जो देखिए बॉय वाला जो पीएनजी इमेज इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और आपका जो इमेज है पीएनजी में होना चाहिए, नहीं तो अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगा, तो आपको पीएनजी जो है वो जो इमेज है आपका पीएनजी में होना चाहिए। ठीक है, चाबी का क्लिक करिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 4 सेकंड तक चलाते हैं। ठीक है, 4 सेकंड में जैसे चलाइएगा और उसको क्या करेंगे, अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर देंगे इसी जगह पर, और इस जो बुआई वाला इमेज इसको इस जगह पर आप एडजस्ट इस तरह से कर देना। ठीक है, करने इस इमेज को फर्स्ट में आइए और साइज को थोड़ा छोटा कर लीजिए। ठीक है, छोटा करके और इसको हम यहाँ पर इस जगह पर लगाएंगे। ठीक है, आपको भी इस जगह पर यहाँ पर लगा देना है, इस तरह से लगाने में देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से बन चुका है, आपको भी इस तरह से कर लेना। ठीक है, करने यहाँ से ओके कर दीजिए, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में।
उसको क्या करना आपको 4 सेकंड पर फिर चलाना, ठीक है 4 सेकंड पर चलाइए। आने तो क्या करना आपको यहाँ से लेयर क्लिक करना है, मीडिया क्लिक करना है और फिर से हम दो लव पी एन जी इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से ब्लू वाला को सेलेक्ट करेंगे और लेयर को पूरा लास्ट तक कर लेंगे, ठीक है लास्ट तक कर देना है। लास्ट तक करने के साइज को छोटा करके इसको एडजस्ट करना होगा, ठीक है। तो इसको हम ब्लू वाला को यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, तो आपको भी इस तरह से एडजस्ट कर देना है। तो इसको हम इस जगह पर लगाते हैं, लगाने में क्या करना आपको उसको और यहाँ से फिर से इस पोजिशन पर आना है, फिर से लेयर क्लिक करना है, मीडिया क्लिक करना है। इसके बाद जो ग्रीन वाला जो था लव पी एन जी इमेज इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट इसको लेयर को पूरा लास्ट तक करेंगे, लास्ट तक करेंगे इसको भी साइज को छोटा करके और इसको भी हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे इस जगह पर, ठीक है। थोड़ा सा और साइज को छोटा करते हैं, चलिए इतना सही है। और यहाँ पे आपको लगा देना, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है दिखने में, इस तरह से आपको भी लगा देना। लगाने के बाद क्या करना आप फिर इसी पोजिशन पर आइए, 4 सेकंड पर क्लिक करिए, थोड़ा सा स्क्रोप कर लीजिए 8 सेकंड तक, ठीक है। तो 8 सेकंड तक उसको स्क्रोप कर लेते हैं और इसको प्लस करने में क्लिक करके इस इमेज को फर्स्ट में आते हैं, इसको घींच कर इस तरफ कर लेंगे, ठीक है। आपको इस तरह से कर लेना, करने में क्या करना फिर से 8 सेकंड चलाइए और सेकंड वाला जो लव पी एन जी इसको सेलेक्ट करिए, 4 सेकंड पर क्लिक करिए और प्लस करके हमें क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करके इस इमेज को फर्स्ट में आ जाइए और इसको घींच कर हम इस तरफ कर लेंगे, ठीक है। आपको दोनों लेफ्ट और राइट में इस तरह से कर देना है। करने बाद क्या करना है वो फिर से इसी इमेज को पोजीशन पाइए और यहाँ से लेयर क्लिक करिए, मीडिया क्लिक करिए और यहाँ से गर्ल वाला जो पीएनजी इमेज है इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें दोनों गर्ल वाला जो पीएनजी इमेज है दोनों को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड कर आप इसमें यूज कर सकते हैं। उसको पहले लेंथ को इस तरह से बढ़ा देंगे, ठीक है। बढ़ाने बाद क्या करना फिर से जो दूसरे का जो गर्ल पीएनजी इमेज है उसको भी ले लेते हैं और दोनों को एक साथ काम करेंगे ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो और एक्स्ट्रा टाइम आपको मतलब देना ना पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो उसको फिर से हम पोजीशन पर चलाएंगे, चार जो 8 सेकंड पोजीशन है इस पोजीशन पर आएंगे। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं जो कि पोजीशन के साथ हम बताते, ठीक है। तो आप जो भी पोजीशन बताएंगे सेम पोजीशन पर आप काम करेगा तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को आसानी से बना सकते, ठीक है। पहले इस पोजीशन पर आते हैं, उसके हम गर्ल वाला पीएनजी इमेज को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके 4 सेकंड पर पहले हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करके प्लस का पहले हम क्लिक कर देंगे। दोनों पोजीशन यहाँ देख लीजिए, देखिए जैसे पोजीशन जो जहाँ पोजीशन लगेगा वहाँ आपको देखिए बिंदु सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले गर्ल वाला पीएनजी इमेज को इसको साइज को छोटा कर लेंगे, इतना छोटा, और इसको पहले हम इस जगह पर एडजस्ट इस तरह से कर देंगे, ठीक है। जैसे ये इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे इस इमेज को फर्स्ट मार देंगे, ठीक है। फर्स्ट मार के और इसको साइज को छोटा करके हम इसको क्या करेंगे इस तरफ नीचे की ओर यहाँ पे खींच लेंगे, ठीक है। तो आपको इस पोजीशन पर कर लेना, फिर से आपको 8 सेकंड में चल जाना है, 8 सेकंड आइए, उसका सेकंड जो गर्ल वाला पिन उसको सेलेक्ट करेंगे, चाबी के कैन पर क्लिक करेंगे, प्लस कैन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तो आप आसानी से सारा वीडियो बना सकते, ठीक है। तो इसको हम साइज को थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, छोटा करके पहले हम इसको इस जगह पर लगाएंगे, ठीक है। जो कि पोजीशन जो बता रहे हैं 8 सेकंड पोजीशन पर इसको हम यहाँ पर लगाएंगे और लगाने में क्या करना है इस इमेज को फर्स्ट में जाइए, थोड़ा साइज को छोटा कर लीजिए, सॉरी गर्ल इमेज को सेलेक्ट कर 4 सेकंड क्लिक करिए और साइज को थोड़ा छोटा कर लीजिए। छोटा करके हम इसको भी नीचे की ओर ले जाएंगे और इसको अंदर की ओर छुपा देंगे, ठीक है। इस तरह से कर देना, देखिए कितना बेहतरीन तरीके से बन चुका है। अब क्या करना है सेम इसी पोजीशन पर आना है और यहाँ से लेयर क्लिक करिए और यहाँ से मीडिया क्लिक करना, ठीक है। मीडिया क्लिक करिए और मीडिया क्लिक करना तो क्या करना आपको यहाँ देखिए एक लाइट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आपकी जगह लाइट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो क्या करना आपको नीचे आना है, गेट मोड पर क्लिक करिए और गेट मोड पर क्लिक करिए तो आपको इस जो कि यहाँ लिखा हुआ है इस पर क्लिक करिए और जैसे इस पर क्लिक कर लीजिएगा तो क्या करेगा आपको नीचे आना, ठीक है। नीचे आएगा तो आपको लाइट का डीजे लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो हम नीचे आपको बताते हैं कहाँ पर रहेगा, तो उस पोजीशन पर आकर देखिए आप देखिए लिखा हुआ है, दिखाते हैं आपको, देखिए लैंप लाइट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करिए और क्लिक करके यहाँ से 36 MB का आपको यहाँ से डाउनलोड कर लें, ठीक है। पहले से डाउनलोड किया है तो मेरा यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए शो कर रहा है तो आपको सबसे नीचे वाला जो सबसे लास्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करिए। क्लिक करके इसको क्या करना है इसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है। सेलेक्ट करके पहले इसको लेयर पूरा लास्ट तक कर देते हैं, लास्ट तक करेंगे साइज को छोटा कर लीजिए और छोटा करके हम इसको इस जगह पर यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो आपको इस तरह से लगा देना है। लगाने बाद क्या करना आपको 3 डॉट पर क्लिक कर इसको डुप्लीकेट कर लीजिए और डुप्लीकेट करके हम इसको यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। दोनों साइड में इसको लगा देंगे, देख सकते कितना बहतरीन तरीके से देखने में लग रहा है। अब क्या करना आपको 8 सेकंड पर चलाना, ठीक है। 8 या 9 सेकंड पर आ सकते हैं, इसको हम 9 सेकंड पर चलाते हैं। उसका लेयर क्लिक करेंगे, ओवर लेयर में जाएंगे और उसका देखिए डीजे लाइट जो फ्रेम दिख रहा है इसको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और डीजे लाइट फ्रेम आपको कहाँ पे मिलेगा वो भी बता देते हैं। पहले गेट मोड पर क्लिक करिए, गेट मोड पर क्लिक फिर से इसी पर क्लिक करिए, डेकोरेटिव पर इस पर क्लिक करिए। यहाँ देखिए आपको फ्रेम वाला आपको स्टेड देखिए लिखा हुआ स्टैंड लाइटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको 7 MB का होगा जो कि 6.8 MB का है। यहाँ से आपको डाउनलोड करना, ठीक है। डाउनलोड करके आपको जगह शो करेगा तो हम यहाँ करें थर्ड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो थर्ड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से पहले लेयर को लास्ट तक कर देंगे, ठीक है। आपको इस तरह से कर देना है और करने से साइज को छोटा कर लीजिए, छोटा करके हम इसको इस जगह पर लगाएंगे, ठीक है। तो आपको इस तरह से लगा देना है। अब अपने हिसाब से इसको रोटेट कर सकते हैं, जितना आपको जैसे ही एडजस्ट हो उस हिसाब से आपको रोटेट कर सकते हैं, रोटेट करके इसमें लगा सकते हैं, साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं, जितना आप रखना चाहते हैं उतना आप रख सकते हैं, इसको इस तरह से एडजस्ट यहाँ पर कर सकते हैं।
ठीक है, देख सकते कितना बेहतरीन तरीके से लग रहा है, और इसी तरह से आपको भी करना है ताकि दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, इस तरह से करने के आपको सिर्फ इसी पोजीशन पर आइए और यहाँ से आपको लेयर क्लिक करिए, पहले इसको हम डुप्लीकेट कर दे, ठीक है, इसको थ्री डॉट पर क्लिक कर इसको डुप्लीकेट कर लीजिए। डुप्लीकेट करके हम इसको रोटेट करेंगे, ठीक है, इसको रोटेट कर लेते हैं, और रोटेट करके क्या करेंगे इसको इस पोजीशन पर लगाएंगे। ठीक है, तो इसको हम इस जगह पर लगाते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरह से घुमा देंगे और घुमा के हम इसको इस जगह पर यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, तो आपको भी इस तरह से लगा देना है, इस तरह से आपको देखिए इसको हम थोड़ा सा और रोटेट कर लेते हैं, बहुत छोटा हो गया, तो इस तरह से अर्थ रोटेट करके साइज को थोड़ा सा बड़ा करके हम इसको इस जगह पर यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, आपको भी इसी तरह से लगाना है, साइज को छोटा बड़ा करके आप अपने देख लीजिएगा, आपको जैसी एडजस्ट हो उस हिसाब से आपको एडजस्ट यहाँ पर करना होगा। ठीक है, ताकि दिखने में अच्छा लगे, और अच्छी तरह से एडजस्ट नहीं करेगा तो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से एडजस्ट करना है, और एडजस्ट करने के आप फिर से इसी पोजिशन पर आइए और यहाँ से लेयर क्लिक करिए और मीडिया क्लिक करिए, सॉरी मीडिया आप क्लिक नहीं करना, आपको ओवर लेयर में जाना था, लेयर क्लिक करिए, ओवर लेयर में जाइए और जो सबसे ऊपर वाला जो डीजे लाइट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करिए, और आपको यहाँ पर दो कलर का सेलेक्ट करना है, एक जो ब्लू कलर है और यहाँ एक ग्रीन कलर, ठीक है, दोनों कलर का सेलेक्ट करना होगा। हम ब्लू और ग्रीन क्यों सेलेक्ट करें आपको बताते हैं, सबसे पहले यहाँ से ब्लू को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ पर लेयर को पूरा लास्ट तक कर देंगे। ठीक है, लास्ट तक कर दीजिए। ब्लू को हम इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इस तरफ जो गर्ल का जो कलर है जो ब्लू है, और इस तरफ जो गर्ल का जो इमेज है वो जो ग्रीन है। ठीक है, तो इस तरफ हम ब्लू वाला लाइट लेंगे, इस तरफ ग्रीन वाला लाइट लेंगे, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा और बेहतरीन लगेगा। ठीक है, मतलब कलर के वीडियो के हिसाब से कलर एडजस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जबकि इंपॉर्टेंट से मतलब कलर के साथ वीडियो के साथ, सॉरी दोस्तों कॉल आ गया था इसी साथ डिस्टर्ब हो गया, तो इसके आपको क्या करना है जो डीजे लाइट की है इसको हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके क्या करना है साइज को पहले छोटा कर दिए। ठीक है, चलिए इतना सही, इतना छोटा कर देना है और छोटा करके हम इसको इस जगह पर लगाएं। ठीक है, आप देख लीजिए जैसे ही एडजस्ट होगा उसी हिसाब से आपको करना है ताकि देखने में और बेहतरीन और अच्छा लगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। आप देखिए थोड़ा लाइट अलग दिख रहा है, फ्रेम अलग दिख रहा है, इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करना आपको बताते हैं, आप देखिए ब्लेडिंग ऑप्शन इस पर क्लिक करिए और यहाँ देखिए मल्टीप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आपको ओवर लेयर पर क्लिक करके यही से रहेगा। ठीक है, ओवर लेयर पर क्लिक कर दिए, देखिए कितना बेहतरीन तरीके से देखने में लग रहा है। ठीक है, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में, इस तरह से आपको एडजस्ट कर देना। ठीक है, इसको एडजस्ट कर दीजिएगा, देख लीजिए जैसे ही साइज अच्छा लगे, जैसे ही एडजस्ट हो उसी हिसाब से इसको एडजस्ट करना है, ज़्यादा छोटा बड़ा और नहीं करना। ठीक है, इस तरह से आपको कर लेना। ठीक, करने बाद क्या करना है इसको डुप्लीकेट कर लीजिए, इसको थ्री डॉट पर क्लिक करके डुप्लीकेट करके इसको साइज को थोड़ा छोटा कर दीजिए। ठीक है, छोटा करके हम उसको सेकंड वाला आपको इसको लगा देंगे। ठीक है, आपको भी इस तरह से लगा देना है ताकि दिखने में अच्छा लगे, इस तरह से आपको लगा कि इसको एडजस्ट इस तरह से कर देना। ठीक है, इसको एडजस्ट जैसे हो जाएगा तो आपको फिर से इसी पोजिशन पर आना है और यहाँ से लेयर क्लिक करना है और यहाँ से ओवर लेयर में जाना है और इसके बाद ग्रीन वाला को सेलेक्ट करना। ठीक है, इस बार हम इसको ग्रीन वाला को सेलेक्ट करेंगे, लेयर को पूरा लास्ट तक कर देंगे और लास्ट तक करेंगे साइज को छोटा कर लेना, छोटा करके हम इसको क्या करेंगे रोटेट करेंगे, इस तरह से रोटेट करके और इसको हम इस जगह पर मल्टीप्लाई इसको करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं ओवर लेयर करना था, इसमें ब्लेडिंग क्लिक करिए, यहाँ से ओवर लेयर पर क्लिक कर दिए। ठीक, क्लिक करके और उसको क्या करना है आपको डुप्लीकेट कर लेना। ठीक है, इसको हम थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, इसको साइज को छोटा करके और सेकेंड वाला पर इसको हम लगा देंगे। ठीक है, तो आपको इस तरह से लगा देना, लगा के इसको एडजस्ट इस तरह से कर देना। ठीक है, जैसे तो ओके इस तरह से कर देना, ये कितना बेहतरीन तरीके से एडजस्ट हो चुका है। अब क्या करना है आपको, देखिए सबसे पहले आपको कौन सा पोजीशन पर आना है आपको बताते हैं। ठीक है, आपको चलना है यहाँ देखिए 8 सेकंड चला। ठीक है, 8 या 9 सेकंड पर ले सकते हैं, इसको हम 8 सेकंड पर ले लेते हैं। 8 सेकंड पर चलाइए, लेयर क्लिक करिए और मीडिया पर क्लिक करिए। मीडिया पर क्लिक करने के बाद क्या करना आपको, यहाँ से ग्रीन जो नेचुरल फ्लावर पीएनजी में जिसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके इसको लेयर को पहले लास्ट तक कर देते हैं। ठीक है, आपको इस तरह से कर देना है, साइज को छोटा कर लीजिए, छोटा करके हम इसको इस जगह पर लगाएंगे। ठीक है, तो आपको इस तरह से लगा देना है, लगा थोड़ा सा बड़ा करते हैं, चलिए इतना सही है, और इस जगह पर हम इसको लगा दें। ठीक है, इसको यहाँ पर लगा दीजिए, लगाने के बाद क्या करना आपको थ्री डॉट पर क्लिक करिए, डुप्लीकेट कर लेना और डुप्लीकेट करके क्या करेंगे इसको रोटेट कर देंगे। ठीक है, इसको रोटेट कर देना है और रोटेट करके क्या करेंगे इसको इस तरह पर लगा देंगे। ठीक है, दोनों साइड इस तरह से लगा देना है, देख सकते कितना बेहतरीन तरीके से इसमें एडजस्ट हो चुका है। अब क्या करना है आपको, देखिए सबसे ये सारा चीज़ काम हो गया, आपको लास्ट पोजीशन और लास्ट स्टेप बचा हुआ जो कि आपको 14 सेकंड पर आ जाना। ठीक है, या 13 सेकंड पर भी ले सकते हैं, तो 13 सेकंड पर चलाइए। यहाँ से क्या करना आपको, लेयर क्लिक करना है, मीडिया क्लिक करना है और यहाँ देखिए जो डबल फ्लावर पीएनजी में इसको सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले हम ग्रीन वाला को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके इसको लेयर को लास्ट तक करते हैं। लास्ट तक करने क्या करना आपको, साइज को छोटा कर देना। ठीक है, जो ग्रीन वाला है क्या करेंगे, साइज को छोटा करके इसको इस तरफ लगाएंगे। ठीक है, जो ग्रीन वाला है इस तरफ लगाएंगे जो कि मतलब ग्रीन के साथ इसमें एडजस्ट हो जाए इस तरह से। ठीक है, और यहाँ ब्लू वाला का सेलेक्ट करेंगे तो उसको ब्लू के साथ इधर हम इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो हम फिर से इसी पोजीशन पर आते हैं और यहाँ से लेयर क्लिक करते हैं, मीडिया क्लिक करते हैं, उसका हम ब्लू वाला को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जो ब्लू वाला कलर है जो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, साइज को थोड़ा छोटा कर देंगे। इस छोटा करके देखिए आप लोग इतना मेहनत करके आप लोग के लिए इतना सारा प्रोजेक्ट लेके आते हैं, इतना बेहतरीन मतलब कलर के साथ मिक्सिंग करके आपको लिए इतना सारा अलग अलग प्रोजेक्ट
वेबसाइट अलग अलग क्रिएट करते हैं, एक एक वीडियो को क्रिएट करने में सारा दिन लग जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को इतना भी अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट आप लोग लेके आते हैं, फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, उसके क्या करना, आपको देखिए जो फ्लावर वाला उसको सेलेक्ट करिए और आपको ओवर लेयर में जाना है और यहाँ से फ्लोडिंग का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, क्लिक कर दिए। उसका सेकंड वाला जो फ्लावर इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको ओवर लेयर में जाएंगे और इसको भी क्या करेंगे फ्लोडिंग पर क्लिक करके इसको एडजस्ट इस तरह से कर देना, ठीक है, इसे एडजस्ट कर देना। उसका एडियो लगाना, ठीक है, एडियो लगाने के वीडियो को फर्स्ट में आइए, एडियो क्लिक करिए और यहाँ देखिए आपको एल्बम पर क्लिक करना है और देखिए आपको जो भी मेमोरी फाइल होगा यहाँ पर खुल जाएगा, ठीक है। हम इसमें डाउनलोडिंग जाते हैं और मेरे पास जो भी इमेज जो भी मेरे पास जो म्यूजिक यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, पहले इसको साउंड को कम करेंगे, आपको जो भी म्यूजिक यहाँ पर आपको शो करेगा, ठीक है, तो जो म्यूजिक आपको लगाना चाहिए उस म्यूजिक पर क्लिक करिए तो आपको देखिए यहाँ पर प्ले हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए एक प्ले का ऑप्शन मिलेगा, इस टाइम में देखिए आपको प्ले का ऑप्शन मिलेगा, एक प्लस का आइकन मिलेगा, ठीक है, तो प्लस के आइकन पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपका क्या करेंगे मतलब जो ऑडियो यहाँ पर नीचे ऐड हो जाएगा, ठीक है, लेयर में ऐड हो जाएगा और यहाँ से वीडियो को प्ले करके दूसरा आप वीडियो सुन सकते हैं और जो वीडियो आपको अच्छा लगे उसको प्लस का क्लिक कर दिए, ठीक है। क्लिक करके यहाँ से क्या करना, आपको वीडियो को प्ले करके देखा था किस तरह से वीडियो बना, पहले वीडियो को हम प्ले करते हैं तो वीडियो को कैसा लगा, वीडियो अच्छा था वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जो नीचे रेड कलर का है उस बटन पर क्लिक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल नोटिफिकेशन उसको ऑल दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हम यहाँ से भेजें, वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं और डिस्प्ले पर आपको दो वीडियो शो करेगा, किसी वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते